हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ रहमान और आप देख रहे हैं टेक ब्रदर्स हिंदी। तो हमारे पास आ जाइए एक यामा FZS F5 वेरिएंट है और 2018 मॉडल है। तो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम के लिए हमारे पास आइए। स्टार्ट गाड़ी नहीं हो रही है, आपको दिखा दो 2 किलोमीटर के 35,370 और 70 करीब किलोमीटर चल गई है और स्टार्टिंग की इसमें प्रॉब्लम है। जैसे चाबी ऑन कर रहे हैं, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ आ रहा है, लेकिन जैसे स्लिप अप्लाई कर रहे हैं स्लब काम नहीं कर रहा है। प्लस इसमें जो चाबी ऑन करने पे टंकी के अंदर से जो आवाज़ आती है फ्यूल पंप की, वो आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो उसी प्रॉब्लम के बारे में आज बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसकी जो इग्निशन ऑन है, इग्निशन ऑन करने के बाद में हॉर्न प्लस इंडिकेटर और हेडलाइट वगैरह सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन इसमें सेल्फ फ्यूल पंप आता है, चाबी ऑन करने पे जो उसमें आवाज़ आती है वो आवाज़ नहीं आ रही है, प्लस सेल्फ इसका काम नहीं कर रहा है। तो प्रॉब्लम कस्टमर को लगा कि इसकी जो फ्यूल पंप की मोटर है वो ख़राब हो गई है, क्योंकि उन्होंने मुझे आके ये बोला कि इसकी जो फ्यूल पंप की मोटर है वो आपके पास मिल जाएगी, कि आप उसको चेंज कर दोगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप खड़ी करके चले जाएँ गाड़ी और मैं चेक करके आपको बताऊँगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, फ्यूल पंप मोटर वाकई में ख़राब है या फिर कोई वायरिंग संबंधी समस्या है। तो इसमें कोई सेंसर वगैरह की समस्या अगर होती है तो इसमें चेक इंजन लाइट जो है वो यहाँ पर ब्लिंक करनी चाहिए थी, वो इसमें नहीं आ रही है। तो इसका मतलब तो ये है कि इसकी फ्यूल पंप मोटर भी सही है और सेंसर भी इसमें कोई ख़राब नहीं है, इसमें सिर्फ वायरिंग संबंधी ही समस्या है। तो इसमें जब मैंने चेक किया तो चेक करने के बाद पता लगा कि इसका जो किल स्विच है इसमें इसके अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये किल स्विच अगर ख़राब होगा तो ना ही तो आपकी जो फ्यूल पंप जो मोटर है वो काम करेगा और ना ही आपका स्लिप काम करेगा। दोनों चीज़ें आपकी इस किल स्विच पर ही डिपेंड करती हैं। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो आपका स्लिप भी काम नहीं करेगा और फ्यूल पंप में से जो आवाज़ आती है चाबी ऑन करने पर वो भी नहीं आएगी। तो दोनों प्रॉब्लम इसकी यहीं से आ रही है। तो इसको कैसे शॉर्ट आउट करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको ये जो स्विच है ये आपको खोलना पड़ेगा, उसके बाद में आगे की प्रोसेस जो है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में किल स्विच के जो स्क्रू है, एक या दो एक यहाँ पे आता है वो शायद टूटा हुआ है, तो ये आपको दो स्क्रू उसके खोल लेने हैं। इस तरह से ये स्क्रू निकाल लेने हैं उसके बाद में, और इसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ से थोड़ा सा खींचना पड़ेगा और इस तरफ से भी ऐसे खींचना पड़ेगा। तो ऐसे खींचने से आपका जो एक किल स्विच है ये ओपन हो जाएगा। तो इसमें मेन क्या है कि जो ये पार्ट्स जो है यहाँ पे ये पार्ट है इसमें डस्ट आ जाता है और ये ठीक से पकड़ नहीं पाता, तो इसीलिए इसमें ये जो स्टार्टिंग संबंधी प्रॉब्लम है वो आ रही थी। और इसको हम साफ़ करके क्लीन करके लगाएंगे, ये बटन यहाँ से प्लस यहाँ से इसको एमरी पेपर से घस के अगर हम वापस लगाएंगे तो जो हमारी प्रॉब्लम है गाड़ी की वो सोल्व हो जाएगी। इसका किल स्विच हमने जो है वो एमरी पेपर से क्लीन करके वापस फिट कर दिया है, और फिट करने के बाद में इसका जो फ्यूल पंप मोटर है और प्लस स्लब जो है वो बराबर वर्क कर रहा है। आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से हमने चाबी ऑन की, ठीक है, ये किल स्विच हमने यहाँ पे ऑन किया और ये गाड़ी अपनी स्टार्ट हो गई। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, ये मोटर की आवाज़ भी आपको शायद सुनाई दे रही होगी, ये आपको फ्यूल पंप मोटर की आवाज़ भी शायद सुनाई दे रही होगी चाबी ऑन करने के बाद जो आती है, और चाबी ऑन की उसके बाद में स्लिप अप्लाई किया और ये गाड़ी स्टार्ट। तो इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम थी किल स्विच की, और ज़्यादातर गाड़ी जब पानी में भीगती है या बारिश के संपर्क में आती है तो इसमें समस्या आ जाती है। और इसमें होता क्या है कि इसमें जो फ्यूल पंप का जो सप्लाई है वो मेन यहाँ से होके जाती है, फ्यूल पंप प्लस स्लिप में जो करंट की सप्लाई जाती है वो पहले किल स्विच में आती है, किल स्विच में ऑन करने के बाद में वापस फ्यूल पंप में प्लस स्लिप में जाती है। तो अगर ये प्रॉपर काम नहीं करेगा तो आपका फ्यूल पंप भी काम नहीं करेगा प्लस आपका स्लब भी काम नहीं करेगा। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम थी और गाड़ी जो है वो हमारी बंद हो गई थी, और हमारे कस्टमर को लगा कि शायद इसके जो मोटर है वो ख़राब हो गई है, शायद किसी के पास चेक करवा के भी लाए थे वो, और मैंने कहा कि आप हमारे पास छोड़ जाएँ मैं चेक कर लूँगा। तो उसमें ये छोटी सी प्रॉब्लम थी, और इन फ्यूचर अगर आपकी गाड़ी में भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, आपके पास कोई गाड़ी आए, तो आप सबसे पहले इसका किल स्विच चेक करें, और अगर ये सही है उसके बाद में आप दूसरी चीज़ चेक करें। और अगर ये ख़राब होगा तो आपको कैसे पता लगेगा, नॉर्मली अगर ये किल स्विच आपका ख़राब होगा तो गाड़ी का सेल्फ प्लस जो फ्यूल पंप के मोटर से आवाज़ आती है चाबी ऑन करने पे वो दोनों ही काम नहीं करेंगे,
तो इस कंडीशन में अगर ऐसा आपकी गाड़ी में हो रहा है तो आप सबसे पहले ये किल स्विच ही चेक करें इसका यहाँ से, क्योंकि यहाँ से इसमें कार्बन आ जाता है और ये काम बराबर नहीं करता है। तो वीडियो हमारी यहीं तक ही थी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।